हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट भाग्यश्री। इनबीसीएन के बॉलीवुड गॉसिप पे आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं फिल्म जगत की कुछ हॉट खबरें। फिल्म छपाक का टाइटल ट्रैक हुआ लॉन्च। फिल्म छपाक के ट्रेलर लॉन्च के बाद आज फिल्म का टाइटल ट्रैक सॉन्ग लॉन्च किया गया। इस मौके पर इवेंट की शुरुआत विक्रांत मैसे ने की। इतना ही नहीं, इस गाने को देखते ही लक्ष्मी अग्रवाल और दीपिका इमोशनल भी हुई। साथ ही फिल्म को यू सर्टिफिकेट दिया गया है, वो भी बिना कट के। छपाक गाने को आज मुंबई के जुहू के JW मैरियट में लॉन्च किया गया। इस मौके पर शंकर लॉय, गुलजार साहब, दीपिका पादुकोण, लक्ष्मी अग्रवाल और फिल्म के डायरेक्टर मेघना गुलजार मौजूद थी। इस गाने को दीपिका ने फिल्म का सोल बताया है, तो वही लक्ष्मी ने गुड मॉर्निंग कहकर शुरुआत की और एसिड अटैक से जुड़े कॉज के बारे में बात की। साथ ही ये भी बताया कि ब्यूटी इम्पोर्टेंट नहीं है, अवेयरनेस की जरूरत है और फिल्म देखने की भी अपील की। इस गाने को देखकर लक्ष्मी इमोशनल हुई और रो भी पड़ी, क्योंकि लक्ष्मी इन सभी चीजों से गुजरी है। ये गाना जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं, वो इस कहानी का जो आई थिंक इट्स द थ्रेड ऑफ द फिल्म, इट्स द सोल ऑफ द फिल्म एंड इट रियली बाइंड्स the entire narrative. Apart from the fact कि जब भी मैं ये गाना सुनती हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, so we cannot wait to share this song with all of you. But more importantly, क्योंकि मेरी दोस्त लक्ष्मी अग्रवाल हमारे साथ हैं आज, और finally, I think the media was very, very curious. पहले दिन जब हम लोगों ने ट्रेलर लॉन्च किया तो बहुत लोगों ने पूछा कि लक्ष्मी कहाँ है, लक्ष्मी कहाँ है, तो यहाँ क्यों नहीं है, लक्ष्मी क्यों नहीं है, करेक्ट, वी हैव अ प्लान फॉर हर। तो फाइनली लक्ष्मी इज विद अस। लक्ष्मी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू कि आपने हमको मौका दिया ये कहानी दिखाने के लिए, बताने के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट कहानी है एंड थैंक यू कि आपने दिल से किया। नॉट वंस डिड यू डाउट अस, नॉट वंस डिड यू क्वेश्चन अस, और आपने जो भी किया है आपने बहुत दिल से किया है। एंड आई होप यू आर प्राउड ऑफ द मूवी दैट वी हैव मेड एंड आई होप वी हैव बीन एबल टू डू जस्टिस टू योर इनक्रेडिबल एंड इंस्पायरिंग स्टोरी। तो अब मैं चाहूँगी कि लक्ष्मी कुछ कहें। टाइम तो वैसे 12:30 हुआ है, पर मैं हमेशा कहती हूँ गुड मॉर्निंग, जब जागो तभी सवेरा। मुझे बहुत खुशी है कि मैं मेघना मैम से 2016 में मिली थी और मेघना मैम ने बोला कि लक्ष्मी हम इस कॉज पे काम करना चाहते हैं साथ में, क्योंकि अगर देखा जाए 2013 से पहले कोई भी एसिड अटैक वायलेंस को नहीं जानता था उस तरीके से, लेकिन जब खुद सर्वाइवर्स बाहर निकल के आई और अपनी स्टोरी को रखना शुरू किया तो वो हर कानों में वो आवाज़ गई, और जब वो आवाज़ गई तो आज वो एक फ़िल्म के रूप में बाहर आई। दूसरा ये भी कि सोसाइटी को ये फ़िल्म एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट देगी, और थैंक यू दीपिका जो आपने लक्ष्मी का रोल प्ले किया, और मुझे बहुत खुशी है कि एक्चुअल में जो ब्यूटी है आज आपने दिखा दिया कि ब्यूटी इम्पॉर्टेंट नहीं होती है। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी थी, इस कॉज को बाहर लाना बहुत ज़रूरी था, और कहीं ना कहीं जो सर्वाइवर विक्टिमाइज होती है और जो सोसाइटी के दिमाग में जो तेजाब है, ये फिल्म के थ्रू लोगों के दिमाग से तेजाब निकलेगा। एक्ट्रेस विद्या बालन IIT पोवाई टेक फेस्ट 2020 में अपने फिल्म शकुंतला देवी का प्रमोशन करते आई नजर। After 10 years, I actually came here 10 years ago for Moodai to promote my film No One Killed Jessica with Rani Mukherjee, and I haven't come since. But I've come before that for Moodai as a student from St. Xavier's, and I have some lovely memories. So I'm really excited to be here and to start my year at IIT Pawai.
I already feel intelligent. 10 जनवरी को रिलीज होने वाली फिल्म छपाक की स्क्रीनिंग मुंबई में देखने को मिली। इस मौके पर फिल्म के स्टार कास्ट सभी यहां पर प्रेजेंट हुए थे और सभी फिल्म छपाक को देखने के लिए काफी एक्साइटेड लग रहे थे। 10 जनवरी को फिल्म छपाक सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है और इसी मौके पर आज मुंबई में फिल्म छपाक की स्क्रीनिंग देखने को मिली। चर्चा में चल रही अनाया पांडे बांद्रा में अपने दोस्त के घर पर आई नजर। बॉलीवुड गॉसिप में फिलहाल इतना ही, कल फिर मिलते हैं फिल्म इंडस्ट्री के खट्टे मीठे खबरों के साथ। अलविदा।